हम आटा गूंद लेंगे, उसके लिए मैंने ये 1 कप पूरा भर के यानी 300 ग्राम जितना मैदा लिया। ये अजवाइन है 1 चम्मच, उसको हम ऐसे करके हाथ से डालेंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। ये रवा लिया है मैंने 2 बड़े चम्मच। घी है 2 बड़े चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ऐसा बांध बांध सके ना ऐसा आटा। वो तभी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अभी देखिए इतना पानी का यूज़ किया है मैंने इसमें, और ऐसा थोड़ा कड़क ही आटा बांधना है। और अभी इसको हम ढक के 10 से 15 मिनट रख देंगे। दो तरह की स्टफिंग बनाना दिखाऊंगी, एक जो हमारे कच्छ में दाबेली का जो स्टफिंग होता है वो, और एक दूसरा जो मटर और आलू का होता है। मैंने आधा आलू निकाल दिया है, आधा ये 4 आलू थे, 4 आलू मीडियम साइज के। अभी पहले हम ये दाबेली का स्टफिंग बना देंगे। आलू को मैश कर लिया है मैंने, और जो ये मसाला मैंने बनाया ना वो हम 2 चम्मच भर के डाल देंगे बस, और उसमें कुछ नहीं डालना है। गैस चालू करेंगे, कढ़ाई गरम करेंगे। अब इसमें हम तेल डालेंगे 2 चम्मच, इसमें हम राई जीरा डालेंगे 1 चम्मच, हींग डालेंगे थोड़ी सी, अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट है। कड़ी पत्ता है, मटर है, आलू है, उसको मैं हाथ से ऐसे मिक्स कर लेती हूँ। हल्दी पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। धनिया पत्ता है वो डालेंगे। गरम करने रख देंगे एक साइड। तो हमारा आटा तैयार हो गया है। देखिए देखिए ऐसे, अभी इसके हम बड़ी सी एक रोटी बनाएंगे। के हम 4 भाग करेंगे, अभी 4 भाग करेंगे। और अभी हम यहाँ पे पहले चिपकाएंगे तो पानी लगाएंगे। तो ऐसे इसे दबा देना है। ये बाजार में आसानी से मोल्ड मिलते हैं कॉर्न के, देखिए ये गरम पक जाएगा ना तो ये खुद ब खुद ये मोल्ड अलग हो जाएगा और हमारा ये अलग हो जाएगा। देखिए इसे निकाल देना है।
और खट्टी मीठी चटनी के लिए मैंने ये 1 कप से थोड़ा सा कम गुड़ लिया है, उसको बारीक काट लिया है मैंने, और ये 2 बड़े चम्मच जितना मैंने इमली लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको मिक्सी में पीस कर पेस्ट बना लेंगे। और फिर इसको हम उबालने रख देंगे। मैं इसमें कोई भी मसाला नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो मिर्ची पाउडर हम डाल सकते हैं। इसमें सिर्फ मैंने नमक मिलाया है 1/2 चम्मच, और ये थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये अभी उबल गया है हमारा, 5 से 10 मिनट में उबल जाता है। फिर इसको हम छान लेंगे। तो ये इसका पानी हो गया है। मसाला सिंह, उसके लिए मैंने ये 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तेल, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच शक्कर और 1 चम्मच अमचूर पाउडर, और ये है सेका हुआ सिंह मिलता है ना, वो है। अभी इसको हम मसाला सिंह बनाएंगे। पैन लिया है, उसको हम गर्म करेंगे और उसमें हम पहले तेल डालेंगे। ये सिंह डालेंगे, गर्म हो गया तेल को। इसमें अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, शक्कर और ये नमक स्वाद अनुसार। अभी इसको सबको हम धीमी आँच पे सेक लेंगे और गैस को भी बंद कर देंगे। ऊपर से 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। मैदे में से हमारे 12 ऐसे कोन बन जाते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च, लाल चटनी यानी खट्टी मीठी चटनी, और ये लहसुन वाली लाल चटनी, और ये ग्रीन चटनी, सब ऐसे डालेंगे। सिंगदाना डालेंगे मसाला। ये जो मसाला है, हमने जो स्टफिंग बनाया है वो डालेंगे। उसको थोड़ा सा हम ऐसे दबा के डालना है। बारीक कटा हुआ प्याज है, थोड़ा सा सिंग, थोड़ी सी स्टफिंग और ऊपर से ये चटनियाँ, ये पहले ग्रीन, ये खट्टी मीठी और ये तीखी वाली, ऊपर से प्याज और सेव और धनिया पत्ता। तैयार है हमारा मसाला कोन। मैं दूसरा स्टफिंग भर रही हूँ, सेम ही प्रोसेस है। पहले हम लाल खट्टा मीठा चटनी, लाल चटनी और ग्रीन चटनी, ये तीनों डाल देंगे। मसाला सिंग डालेंगे पहले, स्टफिंग डालेंगे। फिर से चटनी, प्याज डालेंगे थोड़ा सा, फिर से थोड़ा सा ये स्टफिंग भरेंगे और प्याज डालेंगे, थोड़ी सी चटनी, अभी सेव डालेंगे, धनिया पत्ता। तैयार है हमारा मसाला कोन।